नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियो नंबर की कॉल डिटेल इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल कैसे निकालते हैं। दोस्तों यदि आप चाहे तो अपने जियो नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का डिटेल लास्ट 6 मंथ तक का आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अपने जियो नंबर की कॉल डिटेल निकालने के लिए ओपन करते हैं अपने जियो एप्स को। जियो एप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों नया जियो अपडेट आने के बाद यहाँ से कॉल डिटेल निकालने का ऑप्शन हटा दिया गया है। कहीं पे भी कॉल डिटेल निकालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम जियो नंबर की कॉल डिटेल को निकालें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आ जाना होगा बैक और ओपन करना होगा अपने फ़ोन में ब्राउजर को। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउजर हो उसे आप ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा माई जियो। टाइप कर देने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा और सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला जो लिंक मिलता है, फर्स्ट वाला ये, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर से ब्राउजर को सिलेक्ट करना होगा। हम ओपन करता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में इसे, आपको जियो एप्स में इसे ओपन नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखलाई दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे 3 लाइन बना हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। 3 लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा साइन इन पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा मोबाइल पे और यहाँ पे अपना जियो नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पे मैं अपना जियो नंबर डाल रहा हूँ। जियो नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जेनरेट ओपीटी। यहाँ पे आपको अपना ओपीटी फिल करना होगा, आपके जो नंबर पे ओपीटी आया हुआ है आपको उस ओपीटी को डालना होगा यहाँ पे। जैसे मेरे फ़ोन पे ये ओपीटी आ चुका है और इस ओपीटी को यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे ओपीटी को एंटर कर रहा हूँ। ओपीटी डाल देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सबमिट। अब आप जियो के वेबसाइट पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाते हैं। अब अपने कॉल डिटेल जानने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखलाई देते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माई अकाउंट में। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखता है और इसके बाद आपको आ जाना होगा स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माई स्टेटमेंट। अब यहाँ से आपको अपने डेट को सिलेक्ट करना होगा, आप किस डेट से किस डेट तक की कॉल डिटेल को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से ये डेट सेट रहता है, 1 वीक का यहाँ पे डेट डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप 6 मंथ के अंदर का डेट कोई भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जून 2020 और यहाँ पे डेट को मैं 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 16 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 का मैं यहाँ पे डिटेल ले रहा हूँ। तो इसका डिटेल लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा व्यू। अब यहाँ से आपकी डिटेल ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सिम का पूरी डिटेल आ जाता है, आपके मोबाइल नंबर, स्टेटमेंट डेट, मतलब कि आप ये स्टेटमेंट कब निकाल रहे हैं, और उसके नीचे भी हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हमें कॉल डिटेल देखना है, अपने मोबाइल का कॉल डिटेल देखना है। तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे यूजेज चार्जेज पे, क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। यूजेज चार्जेज पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, डेटा, वॉइस और SMS। अगर आप अपने डेटा के बारे में जानना चाहते हैं कि हम अपने डेटा कब और कितना खर्चा किए हैं तो डेटा सेलेक्ट कीजिएगा। मैसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन हमें कॉल डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वॉइस पे और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक हियर।
तो यहाँ से आप जिस जिस नंबर पे बात किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे टाइमिंग मिल जाता है, कितना ड्यूरेशन तक आप बात किए हैं, और यहाँ पे आपको डेट मिल जाता है। ये सभी डेट है कि आप इस डेट को इतने नंबर पे इतने समय के लिए बात किए हैं। देखिए यहाँ पे काफी नंबर है। तो इस तरह से आप जियो में अपने इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।